नमस्ते। आर्ट ऑफ टैरो के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं ओशो ज़ेन टैरो के द कार्ड ऑफ रिसेप्टिविटी, जिसको हम क्वीन ऑफ वाटर्स भी कहते हैं। और क्वीन ऑफ वाटर्स रिसेप्टिविटी को हम कंपेयर कर रहे हैं क्वीन ऑफ कप्स के साथ, जो कि राइडर वेट का कार्ड है। थोड़ा बहुत राइडर वेट के कार्ड क्वीन ऑफ कप्स को समझेंगे। तो क्वीन सबसे पहले तो अपने आप में एक फेमिनिटी का सिंबल है। आप जितने भी क्वीन के जितने भी कार्ड्स देखेंगे, उसमें जो है फेमिनिटी है, वो एक फेमिनिज्म के साथ जुड़े हुए हैं। जब हम किंग की बात कर रहे हैं तो वो एक मेल प्रिंसिपल है, और जब हम फेमिनिन की बात कर रहे हैं वो है फीमेल प्रिंसिपल है। और जब हम कप्स की बात कर रहे हैं, कप्स भी जो हैं वो भी फेमिनिन है। तो अगर चार सूट्स हैं टैरो के, वॉन्ड्स, कप्स, स्वॉर्ड्स और पेंटिकल्स, तो वॉन्ड्स और स्वॉर्ड्स जो हैं मेल प्रिंसिपल हैं, और कप्स और पेंटिकल्स जो है फीमेल प्रिंसिपल है। तो जब हम क्वीन ऑफ कप्स की बात कर रहे हैं, उसके अंदर जो है डबल, उसमें जो है डबल फेमिनिज्म है, मतलब उसकी पावर जो है डबल हो गई। इट्स लाइक द पावर्स ऑफ द फीमेल हैज़ बीन गिवन टू द फीमेल, कि जो स्त्री की शक्तियाँ हैं वो स्त्री को मिल गई, जिसके कारण जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई है। तो क्वीन ऑफ कप्स जो है अपने आप में एक बहुत ब्यूटीफुल लव, इमोशंस, मैटरनिटी, केयरिंग, जो भी फेमिनिटी से जुड़े हुए जो प्रिंसिपल हैं उसके साथ जुड़ती है। और इसके अंदर जो है हम द कार्ड ऑफ एम्प्रेस की भी छाप देखते हैं। तो क्वीन ऑफ कप्स को हम देखते हैं, उसका सर जो है झुका हुआ है, उसके कप्स जो है उसने अपना आगे कर रखा है, जिसमें जो है वो अपना कप ऑफ इमोशंस जो है आपको ऑफर कर रही है, कि आपको अपना प्रेम ऑफर कर रही है, आपको अपना लव और सपोर्ट दे रही है। तो जब आप क्वीन ऑफ कप्स को देखें, आपको जो है एक लविंग एंड केयरिंग एनवायरनमेंट मिल गया है, आपको जो है एक ब्यूटीफुल सपोर्ट मिल गया है, एंड दैट इज़ व्हाट द क्वीन ऑफ कप्स इज़ डूइंग। क्वीन ऑफ कप्स आपको जो है वो लव और सपोर्ट दे रही है। इस क्वीन के पास देने को बहुत कुछ है। क्वीन एक माँ की तरह है, जैसे हमारी पृथ्वी माँ है, जो कि हमें बहुत कुछ देती है, हमारी केयर करती है, हमें प्रेम करती है, हमें प्रोवाइड करती है, सब कुछ करती है। उसी तरह से जो क्वीन ऑफ कप्स भी है, वो आपको हर तरह से आपकी टेक केयर कर रही है, आपको प्रेम कर रही है। और इसको हम कंपेयर कर रहे हैं क्वीन ऑफ वाटर रिसेप्टिविटी के साथ, तो एक बहुत अच्छा एक जो है कंपैरिजन बनता है दोनों के बीच में। तो क्वीन ऑफ कप्स जो है वो एक परफेक्ट एग्जांपल है रिसेप्टिविटी का, कि क्वीन ओपन है रिसीव करने के लिए और क्वीन ओपन है देने के लिए भी। जो दे सकता है वही ले सकता है, जिसके अंदर देने की कैपेसिटी नहीं है वो ले भी नहीं सकता। तो ये छोटा सा एक्सप्लेनेशन था क्वीन ऑफ कप्स का। अब हम बात करते हैं क्वीन ऑफ वाटर की, जो कि है रिसेप्टिविटी। माँ देव पद्मा की ये जो पेंटिंग है वो अपने आप में बहुत ब्यूटीफुल है। इसमें हम देख सकते हैं कि हमने इसमें जो है फेस नहीं दिखाया है, सिर्फ शरीर दिखाया है, और शरीर के अंदर भी जो हाथ जो है वो ऊपर की तरफ है। वो एक ऐसी स्थिति है जहाँ पे आप यूनिवर्स के लव को जो है रिसीव करने के लिए पूरी तरह से आपने अपने हाथ जो है खोल दिए। जब आप अपना हार्ट खोल देते हैं, जब आप अपने हाथों को जो है फैला देते हैं, उसी वक्त जो है यूनिवर्स की जो वर्षा है, यूनिवर्स का जो प्रेम है, वो आपकी तरफ जो है बह उठता है। क्वीन ऑफ वाटर हमें ये बताती है एक ऐसी स्थिति जहाँ पे जो है आपने अपने आप को पूरी तरह से ओपन कर दिया है रिसीव करने के लिए। द वर्ड रिसेप्टिविटी, रिसेप्टिविटी मीन्स द वन हु इज केपेबल ऑफ रिसीविंग। तो जिसके अंदर एक कैपेसिटी आ गई है रिसीव करने की, उस स्थिति में सब कुछ, जो भी यूनिवर्स जो भी बेस्ट आपको देना चाहता है, वो आपकी तरफ जो है बह उठता है। और इस रिसेप्टिविटी को हमने बात करी है गुरु के पास होने की। जब आप एक गुरु के पास होते हैं, जब आप किसी से कुछ सीख रहे होते हैं, जब आप एक मास्टर के पास होते हैं, उस स्थिति में आपको जो है अपने आप को पूरी तरह से ओपन कर देना है। और जैसा कि इस कार्ड में दिखाया है कि सर जो है वहाँ पे नहीं है। सर यानि विचार, सर यानि डाउट्स, सर यानि ट्रस्ट की कमी। लेकिन जब हम क्वीन ऑफ वाटर्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे प्योर ट्रस्ट ही ट्रस्ट है। दिस इज जस्ट प्योर ट्रस्ट विच इज देयर।
और इस ट्रस्ट की स्थिति में आपको सब कुछ मिल जाता है जो गुरु आपको देना चाहता है। जब आप गुरु के पास होते हैं, जब आप गुरु के पास बैठे होते हैं, जिसको हम उपनिषद भी कहते हैं, उपनिषद का अर्थ ही होता है गुरु के पास बैठ जाना, कि गुरु को सुनना, कि गुरु को देखना, कि गुरु को रिसीव करना, उपनिषद का अर्थ है। वहाँ पे आप सिर्फ रिसीव करने के लिए होते हैं। आपने जो अपना पात्र होता है वो खोल रखा होता है ताकि जो है आपके ऊपर वर्षा हो सके, ताकि आपके पास ताकि आपके ऊपर जो है गुरु की ब्लेसिंग्स जो है बरस सके। अगर आप गुरु के पास जा रहे हैं और आपका पात्र जो है उल्टा है, यानी कि आपके अंदर डाउट्स है, आपके अंदर जो है ऑलरेडी ये क्वेश्चंस चल रहे हैं कि ये गुरु काम का है या नहीं है, इससे मुझे कुछ सीखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो जब इस तरह के प्रश्न हो तो एक डाउट्स की स्थिति है। उस डाउट की स्थिति में कभी भी आप रिसीव नहीं कर पाएंगे। और बात यह है कि डाउट्स होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि जब डाउट्स हों तो उसको पूरी तरह से ऑनेस्टी के साथ जीना चाहिए। डाउट्स का मतलब हुआ कि जब आपको किसी के ऊपर जो है ऑलरेडी ट्रस्ट नहीं है तो वहाँ पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ पे होने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे होने का मतलब हुआ कि आप अपना जो है समय व्यर्थ करेंगे, अपना भी समय व्यर्थ करेंगे, गुरु का भी समय व्यर्थ करेंगे। इसलिए आप जब गुरु के पास जा रहे हैं एक पूरे ओपन हार्ट के साथ जाइए, पूरी रिसेप्टिविटी के साथ जाइए। जब गुरु के पास जा रहे हैं तो गुरु कुछ बोल रहा है तो उसको जब आप सुन रहे हैं तो पूरा का पूरा शरीर जो है आपका कान हो जाए, कि पूरा का पूरा जो आपका शरीर है वो गुरु की वाइब्रेशंस को, गुरु की बातों को, गुरु से जो भी आ रहा है उसको पूरी तरह से रिसीव कर सके। और उस रिसीव करने में एक तरह की छलांग लगती है। उस रिसीव करने में आप एक ऐसे प्रोसेस से गुजर जाते हैं जिसको हम सिंक्रोनोसिटी कहते हैं, वो स्थिति जहाँ पे गुरु और शिष्य जो है उन दोनों के बीच में जो है एक सिंक हो गया। तो यहाँ गुरु ने कुछ कहा, वहां शिष्य के भीतर जो है कुछ घटा, ऐसी स्थिति है। तो जरूरी नहीं कि आपको जो है लंबी साधना से गुजरना है, आपको ध्यान, योग और ये सब प्रक्रियाओं से गुजरना पड़े। अगर आपका प्रेम है गुरु के प्रति, वो प्रेम जो है आपको इतनी जल्दी जो है गुरु के पास लेके आ सकता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सालों को काम जो है क्षणों में हो सकता है। और गुरु ओशो की भी टीचिंग्स यहाँ पे यही है कि जब आप सुनते हैं तो आप पूरी तरह से रिसेप्टिव हो जाते हैं। आप जो है एक प्रेग्नेंट वूमन की तरह जो है आपका जो है वूम्ब हो जाता है जिसमें आप रिसीव कर लेते हैं। वूमन होना अपने आप में एक बहुत एक सुंदर प्रोसेस है। और माइंड कीजिए, मैं बार बार आपको एक चीज़ को रिमाइंड कराता हूँ, जब मैं फेमिनिटी और मैस्कुलिनिटी की बात कर रहा हूँ तो मैं फिजिकैलिटी की बात नहीं कर रहा, ऊपर के शरीर की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ आपके भीतर क्या है, आपके भीतर के भाव कैसे हैं। क्योंकि जब आप परमात्मा को अप्रोच करेंगे, जब आप परमात्मा के करीब जाएंगे, तो जितने आप फेमिनिन होंगे, जितना आप प्रेम पूर्वक होंगे, उतना जो है उतनी ही आसानी से जो है वो परमात्मा जो है आपके भीतर आ सकता है। उस प्रेम की स्थिति में उसके साथ जो है जुड़ना बहुत आसान है। तो आपको प्रभु को खोजने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ होने की जरूरत है। आपको पूरी तरह से रिसेप्टिविटी को जो है अलाउ कर देना है अपने शरीर के अंदर, क्योंकि अगर हम उसको खोजते तो कभी उसको पा ना पाते। उसको पाने का एक ही तरीका है कि जब आप पूरी तरह से अवेलेबल हो जाए, अपनी पूरी फेमिनिटी में आ जाए, कि पूरा अपना जो पात्र है वो पूरी जो झोली है आपकी वो फैला दें उसके आगे और अपने सर को जो है पूरी तरह से विदा कर दें, कि वहां पे सिर्फ आपका जो है हृदय, आपका सिर्फ हार्ट बचे रिसीव करने के लिए। उस रिसीविंग में जो है आपको प्रभु का अनुभव होता है, कि प्रभु आपको वो सब कुछ देता है जो आपको सदा से चाहिए था। आपकी वो झोली इस तरह से भर देता है जो आपको सदा से जो आप मांग रहे थे। बस डिफरेंस ये है, उसको आप बाहर खोजते थे, अब ये डिफरेंस पड़ गया है कि अब आप भीतर की तरफ जो है आपकी आंख मुड़ गई है। तो प्रभु की खोज जो है वो एक जो है एक फेमिनिटी की एक क्वालिटी है जो आपके भीतर है, जिसके कारण जो है आप प्रभु के साथ जुड़ पाते हैं। मेल एनर्जी के साथ, मैस्कुलिन एनर्जी के साथ प्रभु के साथ होना जो है मुश्किल है, क्योंकि मैस्कुलिन एनर्जी जो है बाहर की तरफ फ्लो करती है,
और जो फेमिनिन एनर्जी है वो भीतर की तरफ फ्लो करती है, वो भीतर के आपके जो अंदर जो है उसको खिला देती है, जो आपके भीतर का जो एक फूल है उसको खिलाना शुरू कर देती है। गुरु कहते हैं हसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम, हंसो खेलो और ध्यान धरो, और भीतर जो है अपने हार्ट में जो है वो रिसेप्टिविटी को ओपन रखो, अपने हार्ट को ओपन रखो कि हर वक्त भीतर से ना एक ग्रैटिट्यूड रहे, एक धन्यवाद का भाव रहे कि प्रभु ने इतना दिया है, ये जीवन दिया है, ये शरीर दिया है, ये 5 senses दी हैं जिन senses के थ्रू जो है हम बाहर के जगत को भी पी सकते हैं और भीतर के जगत को भी पी सकते हैं, इस बाहर के सौंदर्य को भी अनुभव कर सकते हैं और इस भीतर के सौंदर्य को भी अनुभव कर सकते हैं। तो रिसेप्टिविटी की स्टेट कुछ ऐसी है, वहाँ पे एक्चुअली में नो माइंड है, वहाँ पे आपके विचार नहीं होते। जब आप प्रेम में होते हैं तब आप एक फ्लो में होते हैं, वहाँ पे जो है चीज़ें बस घट रही होती हैं। और मन के देखे, अगर मन से आप चीज़ें करें तो वहाँ पे विचार है, वहाँ पे प्लानिंग है, वहाँ पे बहुत सारी जो ऊर्जा जो है वो बाहर की तरफ बहती है। लेकिन मज़ा तो वो है कि जब चीज़ें जो हैं अपने आप मज़े से जो है घटनी शुरू हो जाए। अगर दुनिया में कोई मैजिक है तो वो यही मैजिक है कि प्रेम का मैजिक, कि आप अगर अपने भीतर जो है प्रेम से भर जाते हैं, उससे सुंदर मैजिक और कुछ नहीं है, उससे सुंदर जादू कुछ नहीं है। उस जादू से जो है परमात्मा का अनुभव जो है आपके भीतर होना शुरू हो जाता है, एंड दैट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल मिरेकल इन द वर्ल्ड। संत मीरा ने कुछ गाया है बहुत सुंदर सा, उसको जो है मैं आपको पढ़ना चाहूँगा। वो कहती हैं, विद इन द बॉडी आर गार्डन्स रेयर फ्लावर्स द इनर म्यूजिक, विद इन द बॉडी अ लेक ऑफ ब्लिस, On it, the white soul swans take their joy. And in the body, a vast market, go there, trade, sell yourself for a profit you can't spend. Meera says her Lord is beyond praising. Allow her to dwell near your feet. तो मीरा अपने आप में एक perfect example है queen of water का, receptivity का, जिसमें वो पूरी तरह से जो है परमात्मा के साथ जुड़ गई, पूरी तरह से जो है प्रेम ही हो गई। उस प्रेम की स्थिति में उन्होंने जान लिया कि जो है सत्य, कि जो खजाना जिसको मैं ढूंढती हूँ वो मेरे भीतर है, कि जिसको मैं बाहर ढूंढती थी वो और कहीं नहीं, वो मेरे भीतर ही था। मीरा ने ये जान लिया है, इसलिए मीरा जो है सिर्फ ये कहती है कि प्रभु मुझे सिर्फ जो है अपने चरणों में रखिए, कि आपके चरणों में रहूँगी तो मैं उस रिसेप्टिविटी की स्टेट में जो आप मुझे देना चाहते हैं मैं ले सकूंगी। गुरु नानक जी कहते हैं, तिस्नु सदा दयाल जिन गुरु ते माटी लाई। क्या कहते हैं गुरु नानक जी? गुरु नानक जी कहते हैं जो भीतर से रिसेप्टिव है उसकी, उसके ऊपर जो है परमात्मा की वर्षा हो जाएगी, उसके ऊपर गुरु की कृपा हो जाएगी, उसको वो सब कुछ मिल जाएगा जो उसको चाहिए। एक छोटी सी स्टोरी है संत वाल्मीकि की, ये तब की बात है जब वो संत नहीं हुए थे, जब उन्होंने रामायण नहीं लिखी थी, तब वो डाकू थे, तब वो लोगों को लूटते थे, लुटेरे थे। एक दिन कहते हैं कि नारद जो है वहाँ से गुजरते थे, तो नारद के अच्छे अच्छे आभूषण देख के वाल्मीकि ने उनको पकड़ लिया और पेड़ से बांध दिया, और उनका जो सोना था, जो उनके पास जो भी धन था वो उन्होंने ले लिया। तो नारद ने कहा, तूने जो लेना है तू ले ले, लेकिन मेरा एक सवाल का जो है जवाब तू देता जा, ये जो तू कर रहा है ये किस लिए कर रहा है? उसने कहा, मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। अच्छा चल ठीक है, एक चीज़ और बता, ये जो परिवार के लिए कर रहा है, ये परिवार वाले जो है तेरे इस एक्ट के साथ जो है तुझे सपोर्ट करते हैं? ये जो तू अपने परिवार का जो है पालन पोषण कर रहा है, क्या वो तेरे इस कर्म में जो है हिस्सेदार होंगे? वाल्मीकि थोड़ा सोच में पड़ा, उसने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, ये सब कुछ मैं उन्हीं के लिए तो कर रहा हूँ। तो नारद ने कहा कि एक काम कर, तू जा पूछा, तूने मुझे बांध तो रखा ही है, एक बार जाके पूछा क्या वो तेरे इस कर्म में जो है भागीदार बनेंगे। वाल्मीकि के अंदर जो है एक छुपा हुआ संत तो था ही, इसलिए उसके अंदर जो है ये विचार तो उठ ही गया। उसने कहा, ठीक है मैं पता करके आता हूँ। वो अपनी पत्नी के पास गया, उसने पूछा कि भाई ये जो मैं चोरी वोरी करता हूँ, लोगों को लूटता हूँ, इस कर्म के अंदर तू तो मेरे साथ भागीदार होगी ना? तो पत्नी ने कहा कि ये तो तुम पति का धर्म निभा रहे हो,
तुम कहाँ से धन कमाते हो, क्या करते हो, ये कर्म तो तुम्हारा है, इसमें मेरा क्या लेना देना? उसने बच्चों से पूछा। बच्चों को तो कुछ समझ ही ना आया, बच्चों ने हंस दिया। वो पिता के पास गया, पिता से पूछा, तो पिता ने कहा मैं ऑलरेडी बूढ़ा हो रखा हूँ, मेरा जाने का समय हो रखा है, और तुम मुझसे इस तरह की बातें मत कर, मैं किसी कर्म में जो है भागीदार नहीं हो सकता। वाल्मीकि को तो बहुत शौक लगा, वाल्मीकि की तो जैसे आंखें खुल गई। वो वापस गए और नारद के पास जो है बड़ी उदास आंखों के साथ गए और नारद को उन्होंने खोल दिया, और जो नारद से उन्होंने लूटा था वो भी उनको वापस कर दिया। तो नारद ने पूछा तू उदास क्यों होता है? एक तरह की रियलिटी तुझे पता चली कि तेरा कर्म जो है तू ही डील कर रहा है, उसमें कोई और भागीदार नहीं है, उसके लिए तू ही रिस्पॉन्सिबल है। तो वाल्मीकि ने नारद के आगे हाथ जोड़े, उन्होंने बोला कि आप मुझे रास्ता बताइए कि मैं क्या करूं, कोई गुरु मंत्र दे दीजिए। ये स्थिति ऐसी थी जिसमें जो है वाल्मीकि पूरी तरह से रिसेप्टिव था कि उनको कुछ भी बोला जाता वो करता। तो नारद जाते जाते जो है उन्होंने कहा कि ज़्यादा कुछ नहीं करना, ये मंत्र है छोटा सा राम का, तो इसी को जो है बोलना शुरू करते। तो वाल्मीकि तो चले गए, लेकिन जो मंत्र जो वाल्मीकि के हाथ लगा वो था मरा, तो उन्होंने मरा मरा ही जो है बोलना शुरू कर दिया। तो जब आप मरा 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 कहेंगे तो वो भी राम राम हो जाएगा। और फिर नारद ने जो है दिन रात सुबह शाम बस मरा 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 जो है वो लगे रहे, और कब मरा से जो है वो राम की स्थिति घट गई पता ही नहीं चला। कुछ महीने बाद जो है नारद जो है दोबारा से उस जगह से गुजरते थे, तो उन्होंने सोचा कि वाल्मीकि को देखता चलूं कि क्या स्थिति है। तो वाल्मीकि को जाते हुए देखा तो हैरान हो गए, वो तो ऐसी स्थिति में थे जैसे कि उनको परमात्मा मिल गया, जैसे कि वो एनलाइटेंड हो गए। तो नारद ने बोला अरे पागल तूने करा क्या, इतने टाइम से मैं राम राम बोल रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, ये तूने क्या करा? उसने बोला जो आपने मंत्र दिया था मरा मरा। नारद भी थोड़े हैरान हुए, मैंने तुझे मरा मरा कब दिया, मैंने तुझे राम राम दिया था। बोलते पता नहीं, आपने जो मंत्र दिया था मरा मरा उसी से काम हो गया, अब तो मैं बहुत मजे में हूँ, अब तो मैं मरा मरा ही कहता हूँ, और उस मरा मरा से जो है मुझे बहुत सुकून, बहुत शांति, वो सब कुछ मिल गया जो मुझे चाहिए था। तो इस कहानी से एक छोटी सी एक जो है सीख यही है, आप बाहर से कुछ भी हों कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगर भीतर से जो है अगर आपके भीतर वो रिसेप्टिविटी है, भीतर से अगर आप उस विजडम को रिसीव करने के लिए तैयार हैं, उस प्रेम को रिसीव करने के लिए तैयार हैं, तो आपको वो सब कुछ मिल जाएगा जिसकी आपने सदा से इच्छा की थी। तो इस वीडियो का मैं यहीं अंत करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते।